हम सब अपने दिन की शुरुआत एक दुआ से करते हैं कि आज का दिन अच्छा हो। हर दिन एक नई शुरुआत, हर दिन की तरह वही हजारों की भीड़, सबके रास्ते अलग, मंजिलें अलग, ख्वाब अलग। हर कोई अपनी पुरानी कहानियों में नए मोड़ ढूंढता चला जा रहा है, अपनी ही तकलीफों का, खुशियों का, जीत का, हार का, पछतावे का, या फिर उम्मीद का बोझा लिए अपने ही कंधों पे ढोती हुई ये जिंदगियां, बगैर एक दूसरे को छुए हुए, एक दूसरे के इतने करीब से गुजर जाती हैं। पर आज कुछ जिंदगियां जो कभी नहीं मिलते आज मिलने वाले थे, या यूं कहूं कि टकराने वाले थे। और उनकी टकराहट से सभी की जिंदगियां बदलने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। नमस्कार भाव। बोला? हाँ रामदास। नमस्ते रामदास गौड़ बोले। बाबू राव, ट्रैफिक कांस्टेबल है। ओ भाव, 2 दिन पहले मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी ना। ओ हो ए, राज वाटा था तुम्हारा, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करते हो, घूस लेते हो। जाओ जाना भाव, फर्स्ट टाइम था, अपने गांव का है, 3-4 लड़कियां है बेचारी की। कमिश्नर को बोल के बेचारे का सस्पेंशन रुकवा दो, वरना मरने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। और 4 मूली कुठे जाए, काय करे, काय करते एवढं करा ना साहेब, करा करा करा। बाबूराव, गुड़बुले तेरा काम हो गया, यूनिफॉर्म इस्त्री करवाओ और 25 से ड्यूटी पे ज्वाइन हो जाओ। पर मेरा 3 बेटी किधर है? अरे गोड़ बोले, जब भी अपना प्रॉब्लम किसी को बताओ ना तो हमेशा बड़ा चढ़ा के बताओ। तेरा झूठ मिनिस्टर के बड़े बड़े झूठ से बहुत छोटा है, छोटा। कैसा हुआ? 25 जून से। कांग्रेस, बहुत सही। मैं कॉल करके आता हूँ। कोर्ट में क्या हुआ? डिवोर्स ग्रांटेड, चैप्टर क्लोज्ड। रेहान, मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि मेरे इस डिवोर्स का हमारी इस दोस्ती से कुछ भी लेना देना है। इस शादी को तो पहले ही दिन से टूटना था। एनीवे, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। शी इज योर डॉटर देव। कितना चाहती थी जब वो पहली बार स्टेज पर हो तो तुम उसे देखो। माया, पता है कितना हेक्टिक है? Do you realize वो कितनी अपसेट है? तुम प्रॉमिस करके नहीं आए हो। बता देती कि पापा ने पूछा है कि तुम्हारे स्कूल का प्रोग्राम कैसा हुआ,
इतनी छोटी सी बात को क्यों इशू बनाती हो? Yes. Sir, your shot is ready. My shot is ready. वो पापा ने कहा है कि तारील कॉल बैक. कम ऑन मॉम, उन्होंने आपसे ये भी पूछा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी हुई, क्या मुझे कोई प्राइज मिला या नहीं. वो भी फोन करेंगे ना, तो सब पूछेंगे. अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर्स लाइफ यू नो, अभी इमरजेंसी कॉल आ गया. अगर 25th को कुछ गड़बड़ किया ना तो याद रखना. ज्यादा माइलेज के साथ साथ ज्यादा स्पेस भी है. अ परफेक्ट फैमिली कार और आपके वाइफ के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट. टाटा विस्टा टेक. फेयर इनफ, लेकिन मुझे डिलीवरी 25th को ही चाहिए. इट्स आवर एनिवर्सरी. हो जाएगा सर, जस्ट गिव मी अ मिनट. श्योर, आई विल कॉल यू बैक. ओके, love you too baby, I miss you. Ha, Gayatri Verma, meri jaan. Gayatri Verma? To phir wo kya naam tha uska? Ha, Shilpa Jumani. Uski to expiry date kab ki gayi? Abhi to sirf Gayatri, Gayatri, Gayatri. To ye Gayatri Verma hai kaun? She is the hottest woman in town, man. Hum coffee pe mile aur uske baad we've been more than just friends. Maddie, you're mad, yeah. Seriously. Baby, tere dil mein jo hai ab to kehbi de. Hey zindagi, hasrat de, laaye jo dhoond ke tu se rakh bhi de. Hum yahi.
मारिया इधर आना. इट्स एन इफ. नंदिनी कॉल द डॉक्टर. Dia has a history of dilated cardiomyopathy. उसके पेरेंट्स को पता है. They know about it. स्कैन रिपोर्ट्स आ गईं? Not yet. It will take some more time. हमें जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर को ढूंढना होगा. But doctor, इतने कम टाइम में सही डोनर मिलना, it's impossible. I know. But कोशिश करनी होगी. वरना रिया को बचाना पॉसिबल नहीं होगा. तो फिर हम मिसेस कपूर को ये? Not yet. अभी नहीं. रिपोर्ट्स आने दो. डॉक्टर दस्तूर अभी आने वाले हैं. He'll take care of it. Meanwhile, तुम देश के सारे हॉस्पिटल्स में एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेज दो. We'll try our best. Hope for a miracle. She's weak. हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं. टेस्ट रिजल्ट्स आने तक लेट्स वेट. कोई टेंशन की बात तो नहीं. लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट. सर सर सिर्फ एक शॉट बाकी है सर. कर दीजिए सर. अरे गाड़ी. अरे क्रोमा में कर लेना सर को जल्दी है. गाड़ी भाभी जी का फोन आया था. पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं. मैंने कहा कि आप एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं. और कोई फोन? वो चैनल वाले स्टूडियो में वेट कर रहे हैं. मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा. आपकी फ्लाइट है. नो इंटरव्यू कैंसिल. मिस कॉल पे मिस कॉल प्रोड्यूसर डायरेक्टर का. बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर जी. फिल्म पब्लिसिटी पे खड़ी है. पांडे मैं पब्लिसिटी पे नहीं पब्लिक के दम पे चलता हूं. अगर उन्हें इंटरव्यू चाहिए तो एयरपोर्ट बुला लो. 5 मिनट. ठीक है. डैम व्हाई इजंट माया आंसरिंग अ फोन. नमस्कार. आज हमारे साथ हैं देश के दिल की धड़कन. अपने आप में एक अलबेले अनोखे कलाकार मिस्टर देव कपूर. आज हम जानेंगे कि ये क्या है. सर आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में. शिट, ये शो का शो क्यों जाता है? अगर आप सोचेंगे गलती होगी तो होगी. पर अम्मी कैसे नहीं सोचूं? इतना बड़ा शो है और देव कपूर. अरे चिल मारना यार. गो विद द फ्लो. वेलकम टू द शो. हाँ विष्णु बस निकल ही रहा हूँ. क्या एयरपोर्ट? अच्छा डोमेस्टिक ना. ठीक है. रेहान अब्बू से तो मिलते जाओ. अब्बू इंटरव्यू वक्त से पहले होगा. मैं निकलता हूँ. ठीक है. मैं टीवी पे देख लूंगा. You're performing well. सुना है हमने. पौने 10 ना? Exactly. All the best. बस दुआ कीजिए अम्मी शो का सोना हो जाए. You'll be brilliant इंशाल्लाह. संभाल के जाना. Don't worry आंटी. शौकत भाई. हाँ रेहान का पहला इंटरव्यू है आज स्टार प्लस पे 10:45. राजीव चलना है. आदित्य के घर की तरफ से होते हुए चलते हैं. अच्छा साले अब लेट नहीं हो रहा है? कम ऑन यार आज मेरा पहला दिन है और मुझे उसे सिर्फ एक बार देखना है. ठीक है चल. वैसे जिस दिन तेरे अब्बू को पता चलेगा ना
कि तू लिव इन रिलेशनशिप में है और वो डिवोर्सी भी है। बेटा तेरी तो बैंड बजने वाली है। पापा, मम्मी बोल रही है 1 किलो कांदा। आधा किलो दे। पर साहिब, बिटिया बोली 1 किलो। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। ठीक से मैंने नहीं, उसने नहीं सुना। आधा किलो दे। कितना हुआ? 30 रुपए सब। दाम बढ़ गए हैं आज का। ए थॉम, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, स्कूल छोड़ दो तुला। नहीं पापा, वो सौम्या और मीरा के साथ चली जाऊंगी। ये मीरा और सौम्या तो पहले भी थी, तब तो खुशी खुशी अपने बाप के साथ स्कूटर पर जाती थी। कुछ ही हफ्तों से साथ जा रही है वो, उनका साथ अच्छा लगता होगा उसे। उसकी गलती नहीं है। अब उसके बाप का फोटो अखबार में बहादुरी का मेडल जीतने में तो आया नहीं। लड़कपन की भी खुददारी है बाबा। टाइम पे आ जा। ठीक है। जी तुम? No, I'm in spa. तुम कहाँ हो? Hospital? एक काम करो, वो जॉगर्स पार्क के पास मेरा वेट करो, ठीक है? अरे क्यों? बताओ ना। अरे बाबा, जस्ट कम ना। Okay. Oh, if you don't mind, Tanya, I will be needing a favor. Yes, sir. मैंने कहा था ना आपसे, मैं बीवी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। Yeah. तो इसलिए प्लान में थोड़ा सा चेंज है। क्या आप 10 बजे गाड़ी मेरे घर पे डिलीवर कर सकते हैं? Yeah, of course. I'll make the arrangements. Thank you so much. Thank you. Yaar, I miss those days. चले? Yeah. I'll call. Okay? लेकिन डॉक्टर रेहान को होश आया? अभी तक तो नहीं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर जोशी, दिस इज लेफ्ट फ्रंटल पार्ट्स ऑफ ब्रेन इंटरवेंट्रिकल एक्सटेंशन इन द लेंजियन। जीसीएस? ये सब इनके सामने बोलना जरूरी था क्या? ये
इसलिए मैंने मेडिकल टर्म्स यूज किया। अरे डैम इट, ही इज अ डॉक्टर, डोंट यू हैव क्या कहा उन्होंने? वो कार ने सिग्नल तोड़ा और वो हमारी बाइक से झटक रही। क्या कहा उन्होंने? रिया की कंडीशन काफी अनस्टेबल है, बीपी और हार्ट रिदम बोथ आर अबनॉर्मल, ज्यादा से ज्यादा शाम तक। उसके बाद रिया की बॉडी में हमें एक नया धड़कता हुआ हार्ट डालना चाहिए। जोशी, एक इमरजेंसी केस आया है पुणे के फोर्टिस हॉस्पिटल से। एक 12 साल की बच्ची को ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट की जरूरत है। इट्स अ केस ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एक्सीडेंट पेशेंट रिहान, उसके फादर को जानती है ना? सुना है वो भी डॉक्टर? या ही इज अ सर्जन। ओह, तो उन्हें भी अच्छी तरह से पता होगा कि उनके बेटे के बचने के चांसेस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डॉक्टर, अगर आप उनसे बात करें तो। किस बारे में सर? फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। रिहान्स हार्ट इज अ परफेक्ट मैच फॉर दैट गर्ल। अगर उसके पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं तो मैं इमीडिएटली सर्जरी शुरू करवा सकता हूँ। बट सर, द बॉय इज स्टिल ऑन वेंटिलेटर। उधर पुणे में उस लड़की का बीपी लगातार गिर रहा है, देन देयर आर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। वक्त बहुत कम है डॉक्टर, अगर हमें कुछ करना है देन वी हैव टू डू इट नाउ। अगर शाम तक ट्रांसप्लांट के लिए उस लड़की को हार्ट नहीं मिला फिर उसे बचा पाना नामुमकिन है। अभी वो लड़का मरा नहीं है, बट हिज कंडीशन इज वेरी बैड। बट द प्रॉब्लम इज, लड़के के पेरेंट्स ने अभी तक ट्रांसप्लांट के लिए हाँ नहीं की है। वो मेरी बेटी है, आपने बताया उनको? सिस्टर मैम, सॉरी सर, पेरेंट्स अलाउड है। प्लीज, मैं 2 मिनट के लिए उसे देखना चाहता हूँ। प्लीज, एक बार उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ओनली 1 पर्सन। तू जा। सिर्फ 1 पर्सन को अलाउड है तुम।
लड़के की कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल है सर। और पेरेंट्स? अभी तक कन्विंस नहीं हुए हैं। सर, सर, नमस्कार, मैं संजय जोक। एमपी सर। सॉरी सर, मैं क्या बोलूं, ऐसे हालात में मुझे समझ नहीं आ रहा। पुणे के फोर्टिस हॉस्पिटल से मुझे एक फोन आया था, देव कपूर का। एक मिनट सर। हेलो, हाँ सर, मैं उन्हीं के साथ हूँ। एक मिनट सर, गवर्नर साहब आपसे बात करेंगे। हेलो, देखिए गवर्नर साहब, आपके लिए और लोगों के लिए मेरा बेटा कोई है जो मरने वाला है, लेकिन मेरे लिए अब भी वो मेरा जीता हुआ बेटा है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। Yes, sir, I understand. Thank you for trying. Thank you. मिसेस अली, मैं रिया की मम्मी बोल रही हूँ, प्लीज फोन मत रखिए। हेलो हेलो, प्लीज फोन मत रखिए। मिसेस अली, मैं सिर्फ पुणे हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप पर क्या कसर है। आप भी अपने बच्चे को नहीं प्यार करती है जितना मैं अपनी बेटी को करती। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को कोई हमसे छीने। लेकिन मिसेस अली, अगर हमारे पास एक मौका है उनमें से एक की जान बचाने का, तो बचा लीजिए। सर,
मुझे नहीं मालूम था कि रिया की कंडीशन इतनी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पांडे से कह दिया कि सारे एंगेजमेंट्स कैंसिल कर दे। अच्छा, कुछ एंगेजमेंट्स ऐसे भी होती हैं जिन्हें कैंसिल किया जा सकता है। शायद उसके लिए रीजन चाहिए होता है ना। उसके बर्थडे के लिए, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए तो जिन चीजों के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, उनमें से एक रिया का बचपन है। साल में 10-15 दिन नहीं निकाल पाए तुम उसके लिए। वो सिर्फ इतना कह सकती है कि वो देव कपूर की बेटी है। उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। बस अगर एक एक्सीडेंट ने रेहान के सपने को अधूरा छोड़ दिया तो हम उसे कुछ बेहतर देंगे। मैं रेहान के अब्बू से बात करूंगी। लेट्स गिव रेहान द बेस्ट गुड बाय गिफ्ट। चलो यहां से दूर। गुड न्यूज मिस्टर देव, उसके पेरेंट्स मान गए। थैंक यू सो मच। सो व्हाट आर द ट्रैवल प्लान्स, फ्लाइट या चॉपर? हाँ पांडे सर, फ्लाइट तो आज सुबह की एक ही थी और चॉपर की परमिशन भी मिल गई है, लेकिन एटीसी ने विजिबिलिटी कम होने की वजह से अगले 3 घंटे तक के लिए हमें वेट करने के लिए कहा है। शिट। किसे फोन कर रहा? गौरव को। हेलो गौरव, यार कुछ मत पूछ अभी, मुझे तेरा प्राइवेट जेट चाहिए। रिया की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज। What? Oh my. No. It's okay. I can understand. Thanks, yeah. वो खुद जयपुर में फंसा हुआ है अपने जेट के साथ। उसको भी क्लियरेंस मिलने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। फिर तो सर एक ही रास्ता बचता है। क्या?
by road. सर होम सेक्रेटरी एमपी जो आपका वेट कर रहे हैं, पूछ रहे कब तक स्टार्ट कर सकते हैं? मुंबई से पुणे, वो भी 2.5 घंटे में, दिन के इस वक्त। रविश, कुछ भी बोलते हैं लोग। सर आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लिया होता? जिसको तकलीफ होती है वही आता है कमिश्नर। ये बताओ किया क्या जा सकता है? कुछ पॉसिबल नहीं है सर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं जानते? सर हम यहाँ 160 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक्सप्रेसवे सिर्फ 93 किलोमीटर का है। प्रॉब्लम एक्सप्रेसवे नहीं है, प्रॉब्लम उस तक पहुंचने की है। उस तक पहुंचने के लिए हमें 100 किलोमीटर की स्पीड पे मूव करना होगा, और मुंबई में 100 तो छोड़िए, 50 छूना मुश्किल है। ऊपर से आज वीक डे है, 5 मिनट के लिए ट्रैफिक रोका गया तो 5 से 10 घंटे का जैम लग जाएगा। जानता हूं, इसीलिए हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं, पुलिस का बंदोबस्त चाहिए और एक एक्सपर्ट ड्राइवर। चेन्नई में भी तो ऐसी सिचुएशन आई थी, लेकिन वहां पर पुलिस कामयाब हुए। सर चेन्नई में पुलिस को बहुत टाइम मिला था प्लानिंग के लिए, चेन्नई की बात अलग है। मुंबई में रोड्स कम, लोग गाड़ियां और खड्डे ज्यादा हैं, और स्पीड भी ज्यादा है। गुरबीर तुम कोशिश करके तो देखो। आई एम टेलिंग यू लेट्स ड्रॉप दिस। गुरबीर नाकामयाब हुए तो क्या, कोशिश करने का सेटिस्फेक्शन तो होगा। ठीक है, आई डोंट माइंड, आप ऑर्डर मुझे दीजिए, मगर जिम्मेदारी खुद लीजिए। समझा दो उसे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुंबई पुलिस की बैंड बजा दूंगा। यह है कौन, ये गुरबीर सिंह? ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, अभी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं उस दो टके के पुलिस वाले को मेरी मेरी बेटी की किस्मत का फैसला करने नहीं दूंगा। कैटरियन देव सर, क्या आफ्टरनून डॉक्टर दस्तूर, आर यू ऑल रेडी? प्रॉब्लम है सर, मुंबई की पुलिस का कहना है कि हार्ट बाय रोड नहीं भेजा जा सकता। आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। हम लोग तैयार हैं सर। गुड, द हार्ट विल रीच यू एंड द हार्ट विल रीच यू बाय रोड। दैट्स माय वर्ड। Please connect me to Joint Commissioner Traffic, Mumbai. Hello? Hello, Doctor. क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अपना इस्तीफा दे दो और कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। Is that a joke? मजाक नहीं तो और क्या है? हार्ट देने वाला डोनर तैयार है, हार्ट लेने वाला रिसिपिएंट इंतजार कर रहा है। मुंबई और पुणे के बेस्ट हार्ट सर्जन आपके ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तैयार नहीं है तो सिर्फ मुंबई ट्रैफिक पुलिस। मुंबई की किसी भी रोड के 1 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन 800 गाड़ियां होती हैं, जो पीक टाइम में 8,000 हो जाती हैं। 2 लाख के आसपास ऑटो रिक्शा हैं शहर में, 25,000 के आसपास कमर्शियल व्हीकल, और इसके अलावा ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल एक्सेट्रा, और उसके लिए सिर्फ 3,000 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं हमारे पास। मुंबई का ट्रैफिक एक मकड़ी का जाल है डॉक्टर, हमारी गाड़ी इसमें फंस जाएगी या फिर पुणे पहुंचने से पहले पहले किसी को ठोक देगी। ये सब रिस्क कैलकुलेट किए हैं आपने? कैलकुलेशंस, पेशेंट किस मेडिसिन को किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये बिना जाने सर्जरी करना एक रिस्क होता है। एक सही और साफ चीरा लगाने में जरा सी भी मिसकैलकुलेशन हुई ना तो लाइफ और डेथ का रिस्क होता है। A possible venous thrombosis, damage to kidneys, to liver, or for that matter any other organ, due to rejection of medication, इसे रिस्क कहते हैं। पुलिस हम डॉक्टरों से टेक्निकल रिस्क के बारे में बहस करना चाहती है। तो ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। हम दोनों के पेशों में बहुत सारी मुश्किलें आती रहती हैं, जिनमें से हम रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। Because we have to take chances, right? देखो डॉक्टर,
मैं ना तो कोई सफाई देना चाहता हूँ ना कुछ समझना चाहता हूँ। कोशिश भी मत करना। जब किसी मिनिस्टर की गाड़ी निकलती है तब ये सारे रिस्क आपको याद नहीं रहते। कैन यू प्लीज स्टॉप दिस डॉक्टर। देखिए, आपके साथ बहस करने के लिए ना मेरी इच्छा है और ना ही आपके बहाने सुनने के लिए मेरे पास वक्त है। बट कमिश्नर, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, रिमेंबर वन थिंग, आपके ना कहने से कुछ नहीं बदलेगा। हर दिन की तरह यह भी दिन गुजर जाएगा, बुला दिया जाएगा। लेकिन आपकी एक हां से शायद इतिहास बन सकता है। एक मिसाल जो कल लोगों को ऐसे मुश्किल हालात में हां कहने की हिम्मत दे सकती है। हेलो, इमरजेंसी मीटिंग 20 मिनट्स, एवरीवन इन माय ऑफिस, और जो मिनिस्टर्स और वीआईपीज की पायलटिंग करते हैं वो भी। वी आर गोइंग ऑन अ मिशन ऑन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। 160 किलोमीटर 2.5 घंटे, स्टार्टिंग पॉइंट आदित्य बिरला हॉस्पिटल मुंबई, डेस्टिनेशन फोर्टिस हॉस्पिटल पुणे। ना कहीं थकना है ना कहीं रुकना। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस जर्नी। ट्रैफिक के सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं और तुम्हारे रास्ते में पड़ने वाले हर एक कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब तुम में से कोई इस मिशन को लीड करने के लिए आगे आएगा तो हम ये काम आधे घंटे में शुरू कर सकते हैं। सर, मुंबई से पुणे 2.5 घंटे में, वो भी इस वक्त इम्पॉसिबल। सर, इतने शॉर्ट नोटिस में हम कितना ट्रैफिक कंट्रोल कर पाएंगे? मुंबई की गाड़ी को चेन से तो बांधा नहीं जा सकता। वैसे भी सर, अगर इस वक्त हम रोड ब्लॉक करते हैं तो पूरी मुंबई का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अभी सिर्फ इस गाड़ी के बारे में सोचो। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक सेलिब्रिटी का केस है, हमारे पास जान बचाने का ये एक मौका है। और फिर सर, यहाँ पब्लिक इमरजेंसी ट्रैफिक कानून समझती नहीं है और उन्हें समझाने का हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है। वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम में से जो भी इस मिशन को लीड करेगा, ही विल हैव टू ट्रस्ट मी कंप्लीटली। लेकिन सर, लेकिन वेकिन का वक्त नहीं है। कोई है? हेलो डॉक्टर जोशी। यस डॉक्टर। आप रेहान को ओटी में शिफ्ट कर दीजिए। ओके डॉक्टर। गुड। एबल, आई नो यू आर ऑन लीव एंड इट्स योर एनिवर्सरी, बट दिस इज एन इमरजेंसी। आई विल बी देयर। मेरी गाड़ी लो और सीधा आदित्य बिरला अस्पताल जाओ। ऑपरेशन शुरू हो चुका है, बाकी की तैयारी वहां के डॉक्टर्स कर लेंगे। बाय द टाइम यू रीच देयर एवरीथिंग विल बी रेडी। टाइम इज इंपॉर्टेंट गुरु। पुणे में बच्चे की हालत लगातार खराब होती जा रही है। अगर 4 घंटे के पहले ये हार्ट पुणे नहीं पहुंचा तो उसकी धड़कन रुक सकती है। ये रूट है, सीधी सड़कें और हाईवे, जितनी तेज हो सके चलाना। पहले 25 किलोमीटर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ट्रैफिक क्लियर करने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 12 मिनट में तुम्हें ये रास्ता कवर करना होगा। इसके बाद ये दो भीड़ भाड़ वाले जंक्शन है, जितना टाइम तुम यहाँ बचाओगे उतना टाइम यहाँ लग जाएगा। इसलिए पहले 25 किलोमीटर तुम्हें 120 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलानी होगी। इस मिशन पर तुम्हारे साथ 2 लोग होंगे, कार्डियक सर्जन डॉक्टर एबल फर्नांडिस और राजीव, रेहान का दोस्त है, जिद कर रहा है हमारे साथ आने की।
Make this mission a success. Rakha. Jai sir. Okay, guys, let's start this mission. Yes, yes, sir. Are you ready? Yes, sir. I'm Dr. Jones. Good boy. Abhi laate. हाँ थोड़ी देर के लिए फोन बंद रहेगा मेरा. इमरजेंसी ड्यूटी पर जाता हूँ. कहाँ? पूना. नहीं नहीं एक काम है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर ऐसा घुसखोर का धब्बा लेके ड्यूटी नहीं करना है मेरे को. नवरामन तो कि जब तक पैसे नहीं लाते वापस घर मत आना. उनको एक दलाल को दुबई में नौकरी के लिए 15,000 देने हैं. मैं क्या करूं भाऊ? चलो अब कितना में देरी होएगा, मैं आएगा जरूर. ये मैं तैयार थे. ये है डॉक्टर एबल. गुड बोल. हाँ जी गुड बोल एबल. हाँ जी अब चलो. Come in. Oh, sir. Speed क्या है? 120 से ऊपर है, sir. Very good.
22 किलोमीटर कवर्ड सर. मतलब शेड्यूल टाइम से दो मिनट पहले. बहुत सही जा रहे गुड बोले. वेरी गुड. रेबल की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया. वो इस वक्त आईसीयू में है. तुम एबल से अभी कुछ नहीं कहोगे. अगले जंक्शन पे उसे उतार देना. वो दूसरा डॉक्टर तुम्हें ज्वाइन करेगा. यू कैन स्विच ऑफ नाउ. हो सर. यहाँ से निकल चुकी है. बस दो मिनट में वहाँ पहुँचती होगी. बस कुछ ही पलों में वो वैन यहाँ से गुजरेगी. लोग ट्रैफिक बंद होने से थोड़ा परेशान तो हैं, पर पुलिस का साथ भी दे रहे हैं. गुड बोले. वेरी गुड. सेम स्पीड मेंटेन करो. डोंट स्लो डाउन. गुड बोले. गुड बोले. कम इन. क्या है ये? फ्रीक्वेंसी चेक करो सर. पाटिल. हाँ पाटिल. सर रोड्स आर ऑल क्लियर सर, पर वैन अभी तक आई नहीं है सर इधर. व्हाट? क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी मिला? अरे कितनी में है? पैसा लगा रखा है जी. ठीक है. क्या हो रहा है? आप बताइए. देखिए वो कितने परेशान हो रहे हैं. आप बताइए, इसका जवाब दीजिए. ये कोई तरीका होता है क्या? जाने दो. इतना भी करना पड़ेगा? नो सर. सोलंकी होल्ड. सोलंकी कम इन. ओके. जीप ने फ्लाईओवर की स्पीड पे क्रॉस किया था. 120 किलोमीटर पर आवर सर. पक्का? ओ सर. ओके. सर एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? जीप लेके चेक करके आऊं सर? मगर अगर मिल जाए तो डू नॉट स्टॉप देम. डू यू कॉपी? डू नॉट स्टॉप देम. ओके सर. ऐसे सीधे रास्ते से गाड़ी गई कहां? पता नहीं सर, गाड़ी मिसिंग है. व्हाट? यस सर, द वैन इज मिसिंग. एक्सप्रेसवे की ओर तेजी से बढ़ती हुई वैन अचानक से खांदेश्वर में आकर लापता हो गई. इस चौंका देने वाली घटना से पुलिस भी सत्ते में है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वो वैन आखिर गई कहां. हेलो कमिश्नर, दिस इज देव कपूर. मेरी बेटी की जिंदगी उस वैन के टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचने पे डिपेंड करती है, और वो वैन आपके नाक के नीचे से गायब हो गई, और तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट. काम डाउन मिस्टर कपूर. मिस्टर कपूर काम डाउन. मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता हूं कमिश्नर. आई अंडरस्टैंड. पाटिल कमिंग.
हर गली हर बायलेन में अपने आदमी भेजो. आई वॉन्ट एवरी व्हीकल टू बी चेक. यू अंडरस्टैंड? बोलक सर, लगता है वैन का बायलेंस खराब हो गया है. चले तो ठीक था सर, या तो झटके की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर किसी ने जानबूझ के उसको काटा सर. द प्रॉब्लम इज मिशन ऑलरेडी शेड्यूल से पीछे चल रहा है सर. 3:40 हो चुके हैं. हर गुजरते हुए मिनट के साथ मिशन इज गेटिंग मोर एंड मोर इम्पॉसिबल. भूल जाते सर, वैन का ट्रेस होने तक वेट नहीं कर सकते. इज राइट सर, वैन अगर मिल भी जाती है तो मिशन का फेल होना तय है. सर, मोबाइल कंपनीज का रिप्लाई आ गया. वैन के अंदर के तीनों मोबाइल ऑफ है, इसलिए फिलहाल वो ट्रेस नहीं हो पा रहे. लेकिन एक नंबर बीच में थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था और उस वक्त दो मैसेजेस भेजे गए थे. ये देखिए सर, सही नंबर हमारे पास है. ये नंबर लीला टार, फिर शकुन टार और अभी अभी चेंबू टार एंटर किया है. इसका मतलब तो ये है कि ये नंबर भी ट्रैवल कर रहा है सर. आई वांट बोथ दीज नंबर्स राइट अवे. श्योर सर. पाठक सोलंकी लगाओ. जी. इट्स राइट हियर सर. ये देखिए. श्रीराम तुम स्टेशन पे हो? नहीं सर, मैं बाहर हूँ. जहां भी हो एक नंबर नोट करो. मोबाइल प्लीज. ये मैसेज किसने भेजा है? माय ब्रदर डॉक्टर एबल फर्नांडिस. मैं ऑफिस में थी जब उनका मैसेज आया. मेरी उस मैसेज के अलावा और कोई बात नहीं हुई. आई एम रियली वरिड नाउ. फॉरेस्ट एरिया में शायद. पर हुआ क्या? मारिया, आई थिंक आई किल श्वेता. व्हाट? आई किल श्वेता. जानबूझ के नहीं किया.
She was cheating on me with my best friend, Beth. हाँ गायत्री, आज आज तो नहीं मिल पाऊंगा। मैं अभी एबल के साथ हूँ, वो अपनी वाइफ को एक सरप्राइज देने वाला है। बट टुमारो वी आर डेफिनेटली मीटिंग। और कल तो वेंसडे है, सेफ्टी मेजर्स तुम ला रही हो या मैं लाऊं? अरे व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या हुआ अभी? सॉरी, मैं मैडी नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त एबल बात कर रहा हूँ। कौन था? कोई नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसे कुछ करूंगा। मारिया, हेलो मारिया, 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 मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ। हमें
तुम वहीं वेट करो, I'm on my way. कंफर्म है सर, कुछ लोगों ने वैन को हाईवे छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर जाते देखा था. सर 10 मिनट के अंदर खारघर से पुलिस टीम वहां पहुंच जाएगी. चाबी दे. भगवान के लिए बर्बाद सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता. आई शपथ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता. मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए. मैं फेंक दूंगा चुप. हेलो हेलो हेलो, मैं देव कपूर हीरो. हेलो हेलो डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज प्लीज फोन मत करिएगा डॉक्टर प्लीज. नाउ यू लिसन टू मी केयरफुली ओके. मुझे नहीं पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है. मैं जानना भी नहीं चाहती. मुझे मेरी बेटी चाहिए बस. इस वक्त उससे बड़ा कुछ नहीं है, ना तुम ना तुम्हारी प्रॉब्लम. ओके पिछले 12 साल से मैं उसे खोने के डर से जी रही हूँ. But I do God hope for the best. I'm so tired. Your only hope is that there is no problem. This hope can't be stopped on the road. Do you hear me? There is no problem that can be so big. One time, your child's mother's pain. Do you hear me, please? Go. Ciao. सर हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस सिचुएशन में वो क्या करेगा हमें नहीं पता. लेट्स लीव. दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए ना बाबा. हम उसे बचा तो नहीं सकते लेकिन अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दे ही सकते हैं. और ये फैसला हमको लेना होगा. कम ऑन तुस. चुके हैं साहब, ये कोई फॉरेस्ट रोड है. 80 की स्पीड से चल रहा है साहब. एक्सप्रेस हाईवे का जो पहला रूट मिलेगा हम उधर से ही आएंगे साहब. गुड बोले साहब. वो डॉक्टर कहाँ है? वो हमारे साथ है साहब. गुड बोले सुनो सुनो. पुणे में हमने एक और डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है. एबल को वहीं. मैं डॉक्टर एबल की जिम्मेदारी ले रहा हूँ साहब. मुझे वो इस मिशन पे चाहिए. गुड बोले फॉर गॉड सेक ही इज अ क्रिमिनल. मैं उसे तुम्हारे साथ और आगे नहीं जाने दे सकता हूं इस मिशन पर. मेन रोड पे पहुंचते ही तुम उसे हमारे आदमियों के हवाले कर दोगे. यू अंडरस्टैंड दैट? मिशन पूरा होते ही मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा सर. ये रिस्क लेने दो ना सर. गुड बोले टाइम नहीं है. अब हर मिनट 20 मिनट के बराबर है. अगर तुम अगले 15 मिनट में पुणे हाईवे नहीं पहुंचे तो मुझे ये मिशन यहीं खत्म करना होगा. समझ रहे हो?
और अगर पहुंच भी गए तो तुम्हें 120 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलानी होगी। आपको मुझ पे भरोसा है ना सर? तो मेरे फैसले पे भी भरोसा करो ना। What about the wireless? Disconnected है अभी साहब। राजीव कनेक्ट करने को ट्राई कर रहा है। हम स्पीकर फोन पर हैं। हैंडसेट पे लगाओ। बॉस है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक अटेम्प्ट टू मर्डर किया हुआ आदमी तुम्हारे साथ बैठा है और तुम वायरलेस ठीक करो और फोन तभी यूज करना जब बिल्कुल जरूरी हो। डू यू अंडरस्टैंड? वो सर। क्या हो क्या रहा है? गॉड बोले साहब, सामने दो रोड है, लेफ्ट और राइट। समझ में नहीं आ रहा एक्सप्रेस हाईवे के लिए कौन सा पकड़ूं। वेयर इज दिस रोड? कोई लैंडमार्क नहीं? यहाँ तो कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा सर, कि जिससे पूछूं। सर लॉजिकली ना मेरे हिसाब से हमें गॉड बोले तुमने गाड़ी रोक दी है क्या? हो साहब, आसपास देखो कोई साइन बोर्ड या कुछ होगा। कुछ नहीं है साहब। सर आई एम टेलिंग यू हमें लेफ्ट जाना चाहिए। मेरे डायरेक्शन सेंस के हिसाब से पुणे लेफ्ट में पड़ेगा। साहब राजीव बोलता है हमको लेफ्ट जाना चाहिए। नहीं, तुम गैस पे गाड़ी आगे नहीं बढ़ाओगे। सर आई एम टेलिंग यू हमें लेफ्ट जाना चाहिए, टाइम भी कम है। अभी कमिश्नर साहब बोल रहे थे कि 15 मिनट में एक्सप्रेस वे पहुंचना है। सर गुड बोले लेफ्ट ही लेता हूं। गुड बोले कर भी लें तो जो टाइम खोया है उसकी भरपाई करने के लिए हमारा पहले प्लान किया गया रूट नहीं ले सकते। उन्हें अब इस रूट से जाना होगा, लेकिन इस रूट की प्रॉब्लम ये है कि सर गुड बोले आउट ऑफ रेंज है। सर ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, पिछले 15 मिनट से हर जगह ट्रैफिक को ब्लॉक करके हम वैन के पास होने का वेट कर रहे हैं। हां वगमरे, हम स्पॉट पर पहुंच चुके हैं सर, पर वो यहां है नहीं। आई एम श्योर तुमने उन्हें कहीं मिस नहीं किया? यस सर, आई एम श्योर सर। मेरा मतलब है उन्होंने तुम्हें क्रॉस किया हो और तुमने देखा ना हो। नेवर सर, हमने कहीं क्रॉस नहीं किया सर, आई एम श्योर सर। ओके थैंक यू अगमर। आई थिंक दे हैव लॉस्ट देयर वे सर। का मतलब है हमें? नो सर, अगर हम यहां तक आ ही चुके हैं तो हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। व्हाट फॉर? क्या पता वो लोग रास्ता भूले हैं या फिर उस डॉक्टर की ये कोई नई चाल है। सर एटलीस्ट उनके रेंज में आने तक का तो वेट करें। क्या फायदा है पाठक, वी आर ऑलरेडी रनिंग बिहाइंड टाइम। एक घंटा बाकी है हमारे पास बस। नो लक सर, राजीव का फोन भी स्विच ऑफ है। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक करके वेट कर रहे हैं सर, क्या करें सर, गाड़ियां छोड़ दें क्या? नो, मिशन इज कैंसल्ड। मिशन इज कैंसल। मिशन कैंसल मत कीजिए साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। आई हेल यू आर रीचिंग। मैंने कहा था बिना रोड जाने मूव मत करना। साहब हम एक्सप्रेस हाईवे देख सकते हैं। सर सर
बोलो। वैन का अभी तक कोई अता पता नहीं चला सर, अभी तक नहीं आई सर। आर यू श्योर? यस आई एम वेरी श्योर सर। सर 120 की स्पीड से जा रहे हैं। क्या? हेलो गुड बोले। हेलो यस सर, वैन ने जस्ट अभी लोनावाला टोल क्रॉस किया है। इसका मतलब हम रास्ता भटके तो थे, पर इट टर्न्ड आउट टू बी अ परफेक्ट मिस्टेक। वो हमारे रूट टाइम टेबल से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे होंगे। विच मीन्स सर? विच मीन्स द मिशन इज ऑन। Shweta is out of danger. She will be all right soon. Shweta is out of danger. Yes, I can. Yes, yes. Forces alert, roads all clear, maintain the speed. We are just 45 minutes away from success. रुकेंगे तो हम पहुंचेंगे कैसे? गुड मॉर्निंग कमिन, एक बैड न्यूज है। एक्सप्रेसवे पे एक टैंकर पलटी हो गया है। ट्रैफिक इज स्टॉल्ड। अब क्या करें सर? दिस इज इम्पॉसिबल सर, NH4 वाले डायवर्शन से वो अभी बहुत दूर है। वैन अगर 4 किलोमीटर पीछे होती तो वो छोटा एग्जिट लेके इस रोड पे आ सकती। अरे रोड से सीधे 40 हाउसेस पहुंचा दी सर। लेकिन सर ये रोड तो बिलाल कॉलोनी से होकर जाती है। 30 मिनट में 60 किलोमीटर के प्लान के मुताबिक हमारे पास सिर्फ 40 मिनट बाकी हैं। अब एक ही रास्ता है, बिलाल कॉलोनी। अगर आधे घंटे में हमें फोर्टिस अस्पताल पहुंचना है तो हमें पुणे में एंट्री बिलाल कॉलोनी से लेनी पड़ेगी। मगर एक ही प्रॉब्लम है, वो एक कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, पुलिस फायरिंग और दंगों से सताया हुआ। कमिश्नर से बात हुई है, तुम्हारे रास्ते में पड़ने वाले एरिया स्पेशली बिलाल कॉलोनी में हमारे लिए इतनी जल्दी कुछ कर पाना नामुमकिन है। अब ये मिशन पब्लिक और उसके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। सर
बिलाल कॉलोनी के कॉरपोरेटर हैं असलम भाई, अगर आप उनसे एक बार बात कर ले तो। हेलो असलम भाई। कौन? दिस इज एक्टर देव कपूर। अपना सुपरस्टार देव कपूर कैसे याद किया? अच्छा अच्छा मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता हूं असलम भाई, प्लीज। अरे आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, यकीन कीजिए। अल्लाह हाफिज। ए ज़हीर, अभी गाड़ी पे बैठ, जल्दी चलो चलो। डॉक्टर गिव मी नंबर, आई कॉल इन इमरजेंसी। मैं आगे वाले जंक्शन पे उतर जाऊंगा, लेकिन आप ये मत करना उतरेगा मुझे। अरे अरे संभाल बाबा। से पंडरपुर के लिए पालकी निकल रही है, बी केयरफुल। पालकी ब्रिज तक पहुंचने से पहले तुम्हें ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ब्लॉक हो गया, उन्हें क्लियर कराना होगा। ओके राजेश, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं। ओके।
वो पालकी से पहले हमें वो ब्रिज क्रॉस करना है, वो रहा सामने सामने। खामोश तू तो ही मौजे रवान है, तू जानता है हर आस देवा, तू पालता है हर सांस देवा, अन्नत मासूम दिलों की पानी ले देवा। गाड़ी अब यहाँ किसी भी समय आने वाली है और गाड़ी आते ही सारे डॉक्टर्स फौरन सर्जरी की तैयारी शुरू कर देंगे। पहुँचती ही होगी। रामदास गोडबोले रिपोर्टिंग साहब। हाँ बोलो गोडबोले। साहब मिशन कंप्लीट, हॉस्पिटल पहुंच गए साहब। मिशन को अंजाम देने का श्रेय जाता है कांस्टेबल रामदास गोडबोले को, जिन्होंने उस वक्त इस मिशन को अंजाम देने के लिए ये जिम्मेदारी अपने हाथों में ली जिस वक्त उस काम को करने के लिए कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। एडिशन में देना।
हेडलाइट फोड़ दी। चले चल हट। अरे साहब देखिए ना, इसने मेरी हेडलाइट फोड़ दी। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। नहीं नहीं साहब, यही बिना इंडिकेटर दिए घुसा आ रहा था सर। सर लेकिन सर, कौन रुकेगा कौन जाएगा, सिर्फ दो रंग तय करते हैं। एक पल के ही लिए हम अपनी आशाओं और किस्मत लेकर चौराहे पे इंतजार करते हैं और फिर पलक झपकते ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। शायद